हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय शाम के बज गए हैं 5:30। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा आज चाट और मठरी प्रोग्राम था तो मैं वही मठरी के लिए आटा मार रही हूँ। चलिए देखिए, आपको सामग्री दिखा देते हैं। ये देखिए मेरा गेहूं का आटा है, ये हाफ मतलब फुल कटोरा नहीं है, ये छोटी कटोरी है, ये देख लीजिए। तो ये इतना आटा है, ये गेहूं का आटा है। आप इसमें मैदा भी ले सकते हैं, मैं मैदा नहीं लेती हूँ क्योंकि मैदा जो है वो हानिकारक होता है, इसलिए मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। और इसके साथ ही देखिए, इसमें हम ये इतनी महीन वाली सूजी, मतलब 1 कप गेहूं का आटा है तो 4/4 कप ये सूजी है। और इसमें देखिए, ये थोड़ी सी अजवाइन है। आप जानते हैं मठरी में अजवाइन बहुत अच्छी लगती है, ये तो इसको हम ऐसे रगड़ेंगे, इस सूजी के साथ रगड़ के। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। ये देखिए, ये हो गया चाट मसाला, ये हो गया थोड़ा सा गरम मसाला, और अब हम इसमें डाल देंगे ज़रा सा हल्दी, बहुत ज़्यादा सा हल्दी। ये हल्दी पड़ गई। अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक हम अंदाज के डालेंगे, मठरी में नमक ज़्यादा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। ये मेरा नमक पड़ गया, अब हम इसे डाल देते हैं। देखिए, इसको बीच में ऐसे जगह करेंगे, पहले इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अब इसे बीच में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं, देखिए मोयन के लिए घी डाल देते हैं। देखिए, अब इसे डालेंगे हम कसूरी मेथी। इसमें कसूरी मेथी बड़ी अच्छी लगती है, मठरी है तो काली मिर्च देना समझे इस नीचे से, बच्चों को खाना है लेकिन थोड़ा सा काली मिर्च डाल देते हैं। देखिए, अभी देखिए इसे 4-5 हम काली मिर्च डाल देते हैं और इस आटे को अब हम मार लेते हैं। ये देखिए, अभी देखिए आटा हमारा मार दिया गया। ये देखिए, इस आटे को ना तो हम ज़्यादा कड़ा मारेंगे और ना ही इसको ज़्यादा गीला मारेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बीच वाली स्टेज पे, ना पराठा जैसा और ना रोटी जैसा और ना पूरी जैसा, बीच का रहेगा लेवल इसका। ये देखिए, तो ये अब हम इसको बेलते हैं, बेलने के बाद इसको मठरी बनाते हैं। दिखा ना, अभी देखिए ये मैंने पैन चढ़ा दिया, इसमें हम डाल देते हैं आलू बॉयल। ये देखिए, अब इधर मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, उधर हम अपना आटा जो है उसके बेल रहे हैं मठरियाँ। इसका ढक्कन नहीं है, तो भी गिर रहा है, इसका मतलब इसका ढक्कन खो गया, बंद किया नहीं, ढक्कन खो गया। अभी देखिए कि मेरी मठरियाँ बन गई हैं, अब इनमें फूलें, ये ऐसे अगर हम डाल देंगे तो ये फूल आएंगे, तो इसमें मैं ऐसे फोक से देखिए छेद कर देता हूँ। देखिए, ये देखिए, दिख रहा है, ये बस सिर्फ ऐसे ऐसे करके 2-3 जगह, जिससे ये फूलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये खाने में वो मजा नहीं देंगे जो कि आना चाहिए, इसलिए इनको फोक से छेद कर दें, फोक ना हो तो चाकू से कर दें, किसी चीज से आप छेद इसमें जरूर कर दें कि फूल ना पाए। अब देखिए, हम डाल रहे हैं इसे, थोड़ा सा ये स्लो है, गैस हमारी स्लो है क्योंकि ज़्यादा तेज रखेंगे तो तेल ऊपर से जल जाएंगे, अंदर थोड़ा कच्ची रहेंगी, फिलहाल ज़्यादा मोटी नहीं है ये। देखिए, अब इनको हम धीमे धीमे उलट पलट के पका लेते हैं। कलछी में पानी था इसलिए ऐसा हुआ, गैस हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। अब देखिए, इन मठरियों को निकाल लेंगे, एक बार में इनको फिर से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं,
एक बार और डालेंगे जिससे ये खस्ता करके हो जाएंगे। छिड़कियो देखिए अब सब मैंने डाल दिया है एक बार में, तो अगर हम दोबारा फ्राई करते हैं तो ये ज़्यादा खरी और करारी निकलती है, इसलिए एक बार आप कच्चे निकाल लें थोड़ा, मतलब 60% पके लिए, इसके बाद फिर दोबारा डाल दें, तो ये बहुत बढ़िया बन के तैयार होती है, बहुत खस्ती करारी, और इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखते हैं तो ये बहुत दिन तक चलती है। तो अब गैस को हम कर देते हैं बंद, अब हमारी मठरियाँ तैयार हो गई, अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा पैन गर्म हो रहा है और हम इसमें चढ़ा देते हैं आलू डाल देते हैं। देखिए देखिए पैन गर्म हो गया, इसमें हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, जरा सा जीरा डालेंगे, ज़्यादा जीरा नहीं डालेंगे। तो आप दोस्तों हम बनाने वाले हैं चाट, ये हमारे कानपुर की चाट है, वहाँ ऐसे ही बनाई जाती है। आप लोग कैसे बनाते हैं मैंने कई बार यूट्यूब पे आप लोगों को बनाते देखा, आप लोग थोड़ा फ्राई करके बनाते हैं, मेरे यहाँ फ्राई नहीं की जाती है, मटर की चाट हमारे यहाँ ऐसे ही खाई जाती है। तो देखिए आज हम बना रहे हैं, अगर आपको पसंद आए प्लीज़ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए जीरा मेरा तड़कने लगे बस, इसके बाद देखिए ये जो मेरी आलू है देखिए छोटे छोटे पीसों मैंने काट दिया, इतना बड़ा बड़ा सा ये मैंने उबाला था, ये देखिए इस आलू को हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा करारा करारा, इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये देखिए मेरी आलू जो है ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो गई है, ये बस हमको इतना ही ब्राउन चाहिए, ज़्यादा हम वैसा नहीं करेंगे ब्राउन। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये इसी में ऐसे फ्राई होगा, इधर इसको बंद देते हैं। अब देखिए हम अपनी मटर का हाल देखते हैं, मेरी मटर कैसी भी, ये देखिए मेरी काबली मटर है, इसको मैंने रात में भिगोया था और सवेरे इसमें 2 गिलास पानी डाल के मैंने उबाल लिया है, तो ये देखिए मुझे इतनी ही उबली चाहिए। ये देखिए तो आधी मटर मैंने इसी मिक्स कर दिया है और आधी खड़ी है, ये देखिए हमारे कानपुर में इसी तरह की चाट बनती है। ये देखिए आधा मटर इसी में मिक्स करेंगे, तो इस मटर को उबालने में मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है, बाकी कुछ भी नहीं डाला है। तो ये देखिए ये मेरा बन के तैयार हुआ है, अब ये हम इसे बनाने जा रहे हैं। देखिए अब इसमें हम इसको अब हमारे दोनों कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को हमारी आवाज़ कम सुनाई पड़ रही होगी, मेरे कुत्तों की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, तो मैं इनको अब इसमें दोस्तों देखिए इसमें कुछ कुछ ये देखिए चने के दाने, ये चने रह गए थे एक दो डिब्बे में, तो मैंने इनको हटाया नहीं, लेकिन अब हम हटा रहे हैं, ये देखिए हटा लिया मैंने, ये भी उबल गए हैं, कुछ दो चार इसी मटर में रह गए थे। अब देखिए मटर में डालते हैं, ये देखिए ये मेरा काला नमक और सफ़ेद नमक, ये देखिए काला नमक सफ़ेद नमक। अब इसमें देखिए ये चाट मसाला, अब ये लाल मिर्च पाउडर, बाकी सारे मतलब ये जो मिर्च और क्या कहते हैं मिर्चा और ये अमचूर, ये आप अपने टेस्ट से डालें जैसा आपको पसंद आए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी खाने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। अब ये देखिए मेरे ये बन चुका है, इसको हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। हाँ ये देखिए ये मेरी ग्रीन चटनी है और ये मेरी मीठी चटनी है और ये मेरा दही है, ये अदरक है, ये प्याज है। तो अब चलते हैं हम इसको मिक्स करने, देखिए दिख रहा बंद। अब ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें सर्व कर लिया है, कुछ बाहर लोग हैं उनके लिए, तो इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे पहले ग्रीन चटनी, ये देखिए, फिर इसके बाद हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच मेरा ये दही, इस दही में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है और नमक डाला है, बाकी कुछ भी नहीं, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे ये इमली,
दो चम्मच इमली। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारे कानपुर की चाट है, ये वहाँ की बहुत फेमस चाट है। फूलबाग में पोस्ट ऑफिस के सामने एक बैठता है, वो ये चाट देता है। उसकी 5 बजे लगाता है, 7 बजे तक उसकी सारी बिक्री हो जाती है। ये देखिए, तो ये चाट आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक हरा मिर्चा देने, अब संदेश ट्रे दो, उसी में लगा दें दो ट्रे में। अब देखिए इसको हम सर्व कर रहे हैं, बाहर लोग बैठे उनको दे दिया जाएगा। ये तो दोस्तों, ये आज की हमारी शाम की चाय कैसी लगी, चाट कैसी लगी, ये देखिए। और ये पड़ गए हमारे अदरक के लच्छे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे देखिए थोड़ी सी ग्रीन चटनी और थोड़ी सी इमली की चटनी। देखिए तीखा ज़्यादा, ये मिर्च आपकी। तो ये देखिए, ये मेरी चाट है। और ये देखिए, ये इसके साथ ये देखिए, ये पकौड़े। और देखिए दूसरा में हम लगाते हैं, बाहर दो लोग हैं, दो लोगों के लिए हम सर्व कर रहे हैं। ये देखिए अब संदेश भैया दे आएंगे। अब इसको आप देखिएगा, पहले हम इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी, फिर इसके ऊपर डालेंगे ये इमली की चटनी, फिर डालेंगे अदरक, फिर इसमें डालेंगे प्याज। अब रहा मिर्च की बात, बिना मिर्च सूना लग रहा है फिलहाल, लेकिन मैं मिर्च नहीं इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ ना, बच्चे अच्छे नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा ये भी तैयार हो गया। ट्रे नहीं निकाले संदेश, तुम लंबी वाली प्लेट लो, रखो। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी डिश रेडी है। और ये डिश आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये नमक है और ये देखिए इसके ऊपर, ये चीज मैं भूल गई थी, ये आप जानते होंगे, ये तिल है, ये भुना हुआ तिल है। ये देखिए, ये जब आप खाओगे तो बड़ी मज़ा देता है। वो जो वहाँ चाट वाला बेचता है हमारे कानपुर में, वो ऐसे ही कहता है, पहले हम लोग जाते थे तो कहता था बिटिया तिल का मज़ा अलग है। ये देखिए, और ये हो गई हमारी चटनी। ये देखिए, तो दोस्तों ये डिश आपको कैसी लग रही है? नींबू देना, अब इस चाट में थोड़ा सा नींबू भी डाल देते हैं। ये देखिए, तो अब दोस्तों अगर पसंद आया हो आपको तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।